नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। शहर में अब आम जन तक शुद्ध और गुणवत्ता पूर्वक खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर के आदेश पर खाद्य प्रशासन द्वारा चलित लैबोरेटरी चलाकर दुकान व होटल तक पहुंचकर खाद्य सामग्री की जांच की जा रही है। अब मिलावट खोरों नहीं खेत। जिला कलेक्टर के आदेश पर खाद्य प्रशासन जुटा आम जन के स्वास्थ्य की देखभाल में। चलाया चलित लेबोरेटरी। आगामी त्योहार को ध्यान में रखते हुए आम जन को गुणवत्ता खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बाजार में विक्रय हो रही खाद्य सामग्री पर निगरानी रखी जा रही है। त्योहारों पर दूध, मावा, घी, मैदा, बेसन, तेल, ड्राई फ्रूट्स, रवा, मसाले, शक्कर, मिठाई, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में अवमानक स्तर की खाद्य सामग्री बाजार में विक्रय ना हो, इसलिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है। इस बार चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा, बीएस देवलिया, मनीष स्वामी द्वारा शहर में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर जाँच की गयी और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। त्योहारी सीजन है तो मावा में जनरली शिकायत थी कि मावा में कहीं रवा, मैदा, इस तरह के स्टार्च की या आलू की मिलावट तो नहीं कर दी गई है। तो ये मावे को हमने थोड़ा सा टेस्ट में लिया है और गर्म पानी की सहायता से इसको घोल दिया, यानी फिर से इसको दूध जैसा बना दिया। अगर हम इसमें टिंचर आयोडीन, ये आयोडीन सोल्यूशन है जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है, मतलब ये ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनसे हम आसानी से जांच कर सकते हैं। टिंचर आयोडीन में हम इसमें से दो या तीन ड्रॉप डालते हैं। अगर इसमें रवा या मैदा जैसी कोई चीज़ होगी, स्टार्च कोई होगा, तो ये ब्लू कलर या ब्लैक जैसी रिंग देगा। अगर कोई कलर, अगर इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, यानी कि इसमें रवा या मैदा नहीं है, तो ब्लू कलर नहीं आया। देखा जैसे कि इसमें कोई कलर नहीं आया। हाँ, चलित प्रयोगशाला द्वारा रेलवे स्टेशन रोड स्थित सपना स्वीट्स, वंदना कैफे, किशोर रेस्टोरेंट, फ्रीगंज स्थित न्यू सुंदर डेयरी, सावे रोड स्थित श्री महाकालेश्वर मिष्ठान भंडार, नागझिरी स्थित मालवा स्वीट्स, सदा लक्ष्मी रेस्टोरेंट, जय श्री महाकाल रेस्टोरेंट पर दूध, मावा, मिठाई, घी आदि के मौके पर ही जाँच की गयी। टीम द्वारा किशोर रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन रोड पर दूषित मिठाई लगभग 5 किलोग्राम मौके पर ही नष्ट कराई गई। टीम द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों में पर्याप्त साफ सफाई रखने एवं खाद्य सामग्री ढक कर रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जन सामान्य के लिए खाद्य पदार्थों की जांच के लिए सामान्य जांच तरीके भी बताए, ताकि आम जन आदमी स्वयं भी जाँच कर सके। टेस्ट है और लोग जो उपभोक्ता हैं, आम उपभोक्ता या दुकानदार हैं, वो कुछ साधारण टेस्ट लगा के भी पता लगा सकते हैं। प्राइमरी टेस्ट कि इसमें ये पूरी तरह शुद्ध है या नहीं है, इसमें थोड़ी सी मिलावट है। और बाकी हमारी चलित खाद्य प्रयोगशाला है जिसकी सहायता से हम जांच कर सकते हैं। 10 रुपये में कोई भी आम उपभोक्ता इसमें जाँच कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल टेस्ट, जैसे आप कह रहे हैं कि मिठाई त्योहारी सीजन है तो मिठाइयों में और इनमें मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। तो मैंने अभी आपको जैसे टेस्ट करके दिखाया, जैसे मावा है तो मावे में अगर स्टार्च की मिलावट जांच हमें करनी हो, जैसे स्टार्च रवा, मैदा या मैश किया हुआ आलू मावे में मिलाया हुआ है, तो हम बिल्कुल मावा लें, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में उसको लेकर थोड़ा सा गर्म पानी की सहायता से घोल लें, और घोलने के बाद उसमें 2 या 3 ड्रॉप टिंचर आयोडीन, जो आसानी से बाज़ार में मिल जाता है आयोडीन सोल्यूशन के नाम से, मिलाएँ। तो अगर स्टार्च उपस्थित है तो एकदम से ब्लैक या ब्लू रिंग आएगी, और अगर स्टार्च उपस्थित नहीं है तो किसी प्रकार का कलर उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम मिठाइयों की कर सकते हैं। मिठाइयों का कलर है, जैसे हम ये देख रहे हैं, ये बर्फी है,
थोड़ा येलो कलर लिए हुए, या तो इसको रंगीन बर्फी के नाम से बेचा जाए या केसर कतली के नाम से बेचा जाए। यानी कि दुकानदार ये कह रहा है कि मैंने इसमें केसर का कलर मिलाया, लेकिन अगर इसमें सिंथेटिक कलर है तो इसको हम इसी तरह जैसे मावा घोल के बताया घोल सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें सोल्यूशन देखें तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें मिलाएं और उसको सेक करें, तो ये क्या हुआ एक अलग उसका कलर प्रिसिपिट करके देगा, तो इससे हम कलर की जांच कर सकते हैं। इस तरह हम बहुत मसालों की जांच कर सकते हैं। मसाले जो हैं जैसे मिर्च पाउडर है, आप कहें कि इसमें कहीं लाल कलर तो नहीं मिलाया, तो पानी उसको पानी में घोलें देखें, तो देखा होगा कि उसका जो नेचुरल कलर है उसको थोड़ी थोड़ी देर में बैठ जाएगा, वो थोड़ा येलोइश कलर लेगा, और अगर उसमें हम कलर होगा तो थोड़ा सा डार्क कलर रहेगा। और अब कन्फर्म टेस्ट करने के लिए हम उसमें थोड़ा सी मात्रा में H2SO4 मिलाएं हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड्स की, तो ये कैसे करके उसका कलर दे देगा, पहले येलोइश कलर हमें कलर दे देगा। तो इस तरह हम ये बहुत आसान तरह से जांच कर सकते हैं। इसमें हमारा स्क्रीन भी लगी हुई है, स्क्रीन में हम बहुत सिंपल टेस्ट हैं जो बता सकते हैं जो कैसे करके हम जांच कर सकते हैं। घी है हमारा, घी में आप कह सकते हैं कि वनस्पति तो नहीं मिला, तो ये घी हमारा जो है हम देखें, और ये हमने घी लिया, घी को तो बिल्कुल बहुत आसानी से इसे आपने रगड़ा, और बहुत देर रखने के बाद देखेंगे तो आप स्मेल है, अगर शुद्ध घी होगा तो उसकी स्मेल आएगी, थोड़ी देर तक आती रहेगी, और शुद्ध घी नहीं है इसमें एसेंस मिला हुआ, थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल चली जाएगी। इसी तरह हम दूध दे सकते हैं, तो दूध को हमने परखनली में लिया, और आप कहते हैं कि कहीं नकली दूध तो नहीं, सिंथेटिक नहीं है, उसको काफ़ी अच्छे सेक किया तो झाग आ जाएंगे उस पर, झाग आने के बाद वो झाग थोड़ी देर में बैठ जाएंगे। लेकिन अगर सिंथेटिक दूध होगा आप उसी को करके देखें, थोड़ी डिटर्जेंट की 2-3 बूंदें मिलाएं और दूध ले लें और फिर उसको सेक करें, तो झाग काफ़ी मोटे आएंगे, घने आएंगे, वो आसानी से नहीं बैठेंगे। दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि हाँ कहीं इसमें डिटर्जेंट